तो अगर आप एक गूगल पे यूज़र हैं तो फ्रेंड्स, गूगल पे यूज़र के लिए ना बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। पहले हम लोग किसी पे लेटर को यूज़ करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें पे लेटर को हम एक्टिवेट करते थे, लेकिन अब गूगल पे के अंदर आपको एक क्रेडिट लिमिट मिलेगी जिसको आप यूज़ करके, जैसे कि मान के चलो इन केस कहीं आप मार्केट में हो और आपको बैलेंस नहीं है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, तो आप अपने बिना बैंक अकाउंट के बैलेंस को यूज़ किए आप उस क्रेडिट लिमिट को यूज़ करके आप स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम पीरियड रहेगा, उस टाइम पीरियड के अंदर आपको पे लेटर का बैलेंस को फिर से रिफंड यानी रीपेमेंट करनी होगी। तो इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसमें कौन कौन से बैंक है, सारा टर्म एंड कंडीशन को अच्छे से समझेंगे, लाइव एक्टिवेट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम बीट किए हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करें। गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, हाई के लोगों पे क्लिक करेंगे, बाद बैंक अकाउंट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, लिंक हुए सारे बैंक अकाउंट शो होंगे। आपको नीचे थोड़ी सी स्क्रॉल करनी है, यहाँ मिलेगा आपको ऑप्शन ऐड क्रेडिट लाइन, आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिलहाल दो बैंक शो हो रहे हैं, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी बैंक अकाउंट हो और आपने उस बैंक अकाउंट का क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट करा लिए हो तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक्टिवेट कराने के लिए आपको ब्रांच को विजिट करनी होगी, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे स्टेट बैंक पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखा रहा है कैंट फाइंड UPI क्रेडिट लाइन विथ योर मोबाइल नंबर एंड सिलेक्टेड बैंक ट्राई अगेन। यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने किसी बैंक का अभी क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट नहीं कराया। क्रेडिट लिमिट यूज़ करनी है तो फिर ये दोनों में से कोई बैंक आपके पास होनी चाहिए और उस बैंक के ब्रांच को आपको विजिट करके आपको क्रेडिट लिमिट को पहले एक्टिवेट करानी होगी। उसके लिए आपको कुछ चार्ज पे करने होंगे बैंक में जाने के बाद, उसके बाद ही आप इस बैंक को एक्टिवेट करके क्रेडिट लिमिट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कुछ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रह गई हो तो आप इंस्टेंट इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।